नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 7 जून से ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे की शुरुआत होने वाली है, जहां पर दोस्तों 7 जून से इन दोनों टीमों के बीच एक शानदार सीरीज खेली जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे के बारे में आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका के दौरे पर कितने T20 मैचेस खेलेगी, कितने टेस्ट मैचेस खेलेगी, कितने वनडे मैचेस खेलेगी, इन मैचेस की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा तो T20 टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहने वाला है, वहीं पर इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आप कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो दोस्तों इस एक वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका के दौरे पर 3 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज खेलने वाली है, और इस दौरे की शुरुआत T20 सीरीज के साथ होगी। तो अगर हम सबसे पहले T20 सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें, तो पहला T20 मैच 7 जून को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा, वहीं पर दूसरा T20 मैच 8 जून को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ही खेला जाएगा। इसके अलावा सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 11 जून को पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले किले में ही खेला जाएगा। बात कर ले अगर इन सभी तीनों T20 मैचेस के टाइमिंग की, तो ये तीनों ही T20 मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से स्टार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों T20 सीरीज खत्म हो जाने के बाद इन दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की एक वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिसका पहला वनडे मैच होगा 14 जून को पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले किले में। इसके अलावा दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा 16 जून को पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले किले में ही। इसके अलावा सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा 19 जून को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, वहीं पर चौथा वनडे मैच खेला जाएगा 21 जून को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। इसके अलावा सीरीज का पांचवा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा 24 जून को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। वहीं अगर हम बात कर लें इन पांचों वनडे मैचेस के टाइमिंग की, तो ये पांचों ही वनडे मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट होंगे। वनडे सीरीज के बाद दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला टेस्ट मैच 29 जून से 3 जुलाई के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम गॉल में खेला जाएगा, वहीं पर जो सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच है वो 8 से 12 जुलाई के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम गॉल में ही खेला जाएगा, और ये दोनों ही टेस्ट मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 10 बजे से स्टार्ट होंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली T20, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात कर लें, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तीनों ही फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियन टीम का काफी ज्यादा स्ट्रांग स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां पर अगर हम सबसे पहले T20 इंटरनेशनल स्क्वाड की बात कर लें, तो यहां पर 16 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया गया है, और आपको इस स्क्वाड में सभी बिग गन्स की वापसी होते हुए नजर आ रही है, जिन्होंने पिछली सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ मिस करी थी, जैसे कि डेविड वॉर्नर, ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्ज हेजलवुड, इसके अलावा मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड। ये सभी खिलाड़ी आपको T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस आपको T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे, वहीं पर एडम जैम्पा बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड की वजह से इस सीरीज में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आपको ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे एरन फिंच, इसके अलावा सीन एबट, एश्टन एगार, जॉश हेजलवुड, जॉश इंग्लिस, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, जाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्वेप्सन, मैथ्यू वेड और डेविड वॉर्नर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के ODI स्क्वाड की, तो यहाँ पर भी 15 मेंबर का स्ट्रॉन्ग ODI स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे एरन फिंच, इसके अलावा एश्टन एगार, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्वेप्सन और डेविड वॉर्नर। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड की, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का 16 मेंबर का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे पैट कमिंस, इसके अलावा एश्टन एगर, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान खवाजा, मार्नस लाबुशेन, नेथन लाइन, मिचेल मार्श, वाइस कैप्टन स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन और डेविड वॉर्नर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के स्क्वाड की, तो श्रीलंका क्रिकेट ने भी यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का 18 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जहां पर आपको मतीशा पथिराना भी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको श्रीलंकन क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे दसुन शानका, इसके अलावा पथुम निसंका, धनुष्का गुनातिलका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका, भनुका राजपक्षा, नुवानिंदु फर्नांडो, लाहिरू मधुशंका, वानिंदु हसरंगा,
अनामिका करुणा रत्ने दुष्मंता चमीरा कसुन रजिता नुवंत हुशारा मतीशा पथिराना रमेश मेंडिस महेश थिक्षाना प्रवीण जय विक्रमा और लक्षण संदकन। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि श्रीलंका का अभी टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही ये स्क्वाड अनाउंस होता है मैं सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस T20 वनडे और टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में इस सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी पिक्चर्स स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है और अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट सोनी 6 टीवी चैनल और सोनी 6 एचडी चैनल पर किया जाएगा। वहीं अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर लें तो आप सोनी लिव एप्लीकेशन की मदद से भी इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल फोन में भी देख पाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे कोई और इन्फॉर्मेशन भी निकल कर आती है, अगर किसी और सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर इस सीरीज के मैचेस का लाइव टेलीकास्ट होगा तो मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फ्रेंड्स ये रही श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली T20 वनडे और टेस्ट सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम T20 वनडे और टेस्ट सीरीज जीतने वाली है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।